किसानों को लेकर कर्ज माफी का जो फैसला होने वाला है उस पर एबीपी न्यूज आपको बड़ी जानकारी दे रहा है। तकरीबन 1 लाख रुपए किसानों का माफ किया जा सकता है। यूपी सरकार पर 36,000 करोड़ का खर्च पड़ेगा अगर ऐसा वो करती है। किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ होगा, सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं। जिनका 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है उनका भी सिर्फ 1 लाख रुपए ही माफ किया जाएगा। अब सवाल यह है कि उससे ज्यादा के कर्जे का फिर होगा क्या? एक बार मैंने ऐसा देखा और सुना है कि कैबिनेट के एजेंडे सारे कैबिनेट मंत्रियों को भेजे गए, उस एजेंडे में सबसे पहले किसानों के कर्ज माफी का जिक्र है, लेकिन ये कर्ज माफी कैसे की जाएगी इसका ब्यौरा किसी भी कैबिनेट मंत्री को नहीं बताया गया। इतना गोपनीय रखा गया, सिर्फ मुख्यमंत्री के पास जो अपनी फाइल थी और वित्त विभाग से और कृषि विभाग से जो जुड़े हुए मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही और राजेश अग्रवाल, इन तीनों के पास ही वो बुलेट पॉइंट्स हैं जिसके जरिए बताया गया है कि कर्ज माफ कैसे होगा। किसानों का सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही कर्ज माफ होगा और इससे 36,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसका भी लघु और सीमांत किसान अगर उसका 1 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है राष्ट्रीयकृत बैंकों में या कोऑपरेटिव बैंक्स में तो सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही कर्ज माफी की जाएगी। जो वैसे तो 62,000 करोड़ रुपए आ रहा था पूरा कर्ज, लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही कर्ज माफ होगा किसान का। साथियों, अन्य राज्यों के किसान भाई भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उन राज्यों के किसानों का केसीसी कार्ड का कर्ज माफ हो सके, जैसे यूपी का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी और सरकार आपके हित में जरूर कोरोना काल में जरूर आपके हित में कोई बड़ा कदम उठा सकेगी। वीडियो को 1 लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।